वेलकम बैक जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करना है तुहाडा साडे अपने YouTube चैनल असन फैमिली व्लॉग ते। जिन्हें ने तक असन फैमिली व्लॉग नु ज्वाइन नहीं किया, थल्ला लाल कलर दा सब्सक्राइब दा बटन नजर आ रहा होना है, उन्हें दबा के नाल छोटा घंटी वाला बटन होना है, उन्हें दबा के आलत करके असन फैमिली व्लॉग नु ज्वाइन कर लो। बाकी अल्लाह ताला दे फजल ते करम नाल सी बिल्कुल ठीक ठाक आ। उम्मीद करना कि मैं तमाम बहन भाई जिथे रहन खुश रहन, आबाद रहन, हमेशा हंसते ते मुस्कुराते रहन। साडी ढेरसा दुआवां ने कि तुहाडे नाल सारे रखना अपनी दुआवां च याद ते बिना देर किते फिर अज वीडियो करने आ शुरू। सब तो पहले मैं तुम्हें दस देवा कि दो एक दिन साढ़े को वीडियो नहीं बनी हैगी, क्योंकि मौसम की तब्दीली की वजह तो साढ़े चु बड़िया जन बुखार हो गया सीगा। अम्मी जान में भी बुखार रहा है दो एक दिन, अबू जान में भी। मैं तो फिर तुम्हें पता है मैंने तो उस दिन तबीयत खराब सी, जेडे दिन फिश चली सी, सिर में दर्द बहुत ज्यादा सी, क्योंकि जो उ पानी च मैं बैठा रहा आ गया तो सिर के गड़े बजते रहे थे। उन जो उतों लुकन की कोई जगह नहीं सी, तो असं पानी के बच्चे डुबुकी ला लीए फिर निकलीए, सिर के गड़े बजन। तो वैसे भी ठंडी ठंडी जी थलों जहाँ पानी सी गर्म सी, तो उत्तों ठंडे ठंडे जी है बारिश पै रही थी सिर के गर्म सरद की वजह तो पता नहीं की वजह सी, उस वजह तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है आज बिल्कुल तबीयत मेरी ठीक हैगी, बाकी थोड़ी मोटी जी सिर में दर्द हैगी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। तो अज ही असी थोड़ी जी सफाई भी करनी हैगी घर की। अम्मी जान जी नहीं, उन्होंने पहले तो घर की सफाई की है टैला वगैरह। लेकिन पाकिस्तान बुखार की नवी वाई ना के आया बारिश आई है ना, बारिश बराबरी हुई तो वजह तो बेमौसमी ठंड की वजह तो हर फैमिली बुखार आता पाया, हर फैमिली बुखार आता पाया। तुम सारे मेरे भैनों भरावान दुआ करनी कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को इस बुखार तो बचावे, क्योंकि बड़ा ही जहरीला बुखार है जिन्होंने भी आंदा ना, सिर की दर्द सारे जिसम दर्द का मंजी तो उठन भी नहीं दिता। साढ़े सारी फैमिली हो गया अल्लाह किया तो अच्छ दो तीन दिन तो बाद जो थोड़े जे बेहतर है, तो अच्छ असर आख्या कि अम्मी आप जो अच्छे वीडियो बना लीए, थोड़ी तबीयत भी काफ़ी सारी बेहतर है। तो अल्लाह का अलहमदुल्ला जो घर की सारी सफाई की गई, घर की सफाई कर ली तो हम सब मैं कह रहे हैं कि अम्मी अपने स्टोर रूम है ना, स्टोर रूम की भी आस्ता आस्ता सफाई कर लीए, क्योंकि जो बच्चे रंग वगैरह जो बकाया बची सी पई हुई है। अम्मी जान ने खुद करे सवाल मारी सी, अम्मी जान ने वाल सीखे, लेकिन ठीक है मैंने लगता है हो गई है, तुसी भी दसना है। सुबह को ईद सी ना तो रख के गए, मैं पई पी खराब हो जानी, चल मैं भी मैं ला छड़नी गई, हुण लेंदियां नूं वेख रही सन तो उधर वेख के तो मैं भी इस तरह ला ली, हुण सारा कुछ उदों रंग इत्थे पैण पहले मुकम्मल हो गया तो फिर करांगे। लेकिन यह है कि आ लकड़ां भी विच रखियां सन लिया के, यह लकड़ी सी उन्होंने कहा दसन विच कटा के लाया मंजियां वास्ते ही आ, ते सेरू भी अम्मी आप मंजिया बनवा लवेंगे, मंजिया अपने को थोड़िया ने लोह दियां ने, ते लोह दियां मंजिया दा हाल कोई नहीं हुंदा, टुट जल्दी जांदियां ने। उधर अम्मी अपन जे उसारी वगैरह लगनी ना बालियां वगैरह दे भी काम आ जाणगे, बालियां दी जगह ते वास्ते भी सामने काम ते लकड़ बहुत अच्छी सी तां कटवाईयां ने, ओ चाचू रिक्शे वाला भी कहंदा आपां निकलवा ली, मेरा दिल सीगा कि आपां वैसे चिरा लेंदे, लकड़ां खतम हो गई गारे बालन वास्ते, फिर लकड़ां कोई नहीं, क्योंकि जेड़े अगले बाले बूले हन गोवा दा समेयां सारा सी चीर के बाल ले, साडे कोल लकड़ी नहीं है। तबीयत साथ दी फिर बड़ोली भी अज तोवी तो दिन दाने पाने दाने ज्यादा तो हसन नहीं लैन दे, पांच कु मन लै ने किसी को लैने ने दुकान के पैसे, तो उन्होंने आखिया ने भी सानू उतार देने, तुम देने ना साढ़े पैसे होंगे सानू दाने दे छोड़ो, उस पैसे नहीं लेने साढ़े को दाने कोई नहीं, मिस्त्री जो लाने मन दसते भी नहीं पेंदे लकड़ अच्छी है, लकड़ खराब तो नहीं होती पानी ना,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕੁੰਝ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆਂ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਮੁਰ ਕਿਚਨ ਇਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਦ ਦੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਾਵੇ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੀੜੀਆਂ ਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਪਾਵੇ ਜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪੀੜੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨੇਗੇ ਇਹਦੇ ਪੀੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਬਣਵਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬਣਨੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਆ ਮੂਹਰੇ ਹੋਈ ਉਹ ਬਣਨਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਰ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇਗੇ ਇੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਪਾਵੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਬਣਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਬਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਟੱਲੇ ਸਾਫ ਕਰਕੇ छोटे मिलते ने छोटे बेड वेख लेने किराया नी है तो साड़ी गुजाइश थी बंदी भी किराया बार गली 1500 रुपये किराया लगना है तू गलन ते चलो गलने आना उन्हां दे समान असल दे मामू दी भी कदी दिहाड़ी लगदी कदी कोई नहीं लगदी ओ ना कोई गुंजाइश कोई नहीं बणदी भी पेसी किराया भर के जाके आदी छियां चा लगे बस सानू कहंदे नहीं वे तुसी किराया भर कर लो सेफ अलमारी ते बैड है बस दो चीजां आंदी ने बाकी सारा सामान साडा अपना ही है कोई नहीं गलावांगे ओ भी ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਲੈ ਆਊ ਸੀਗੇ ਦੂਸਰੇ ਸੋਫੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਊ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨੇ ਆਗੇ ਸਫਾਈ ਤੇ ਵੇਖਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈੱਡ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਜੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕਲੀਨ ਪਾਉਣੇ ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੈੱਡ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲੀਨ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਲੀਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਜੀਆਂ ਸਨ ਬਾਹਰ ਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕੇ ਸੂੜ ਗਿਆ ਨੇ ਮੰਜੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਮੋਟਰ ਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਪਾਉਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਨਾ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਰੱਖ ਦੇਈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕਬਾੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਬਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨੈਨ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਸਮਾਨ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਿਰੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਗੈਰਾ ਪਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸੀਗੀ ਦੂਸਰੀ ਬੜੋਲੀ ਲੇਕਿਨ ਸਨੈਨ ਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਮਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਟਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗਿਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਨੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਾਨ ਕਢਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਸ ਜੁੱਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਛਿਪਕਲੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇਗੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵਜਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਸੁਰੰਗ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਨੋਮੀਨੈਸ ਪਰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਉੱਧਰੋਂ ਸਨੈਨ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਨੈਨ ਚੱਕ ਲਵੇਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਸਿੱਟਾਂ ਤੇਰੇ ਹੈ ਇੱਧਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਯਾ ਆ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰੰਗ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੱਕੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਖੁਰਚ ਖੁਰਚ ਕੇ ਲਾਹ ਲਵਾਂਗੇ ਕੁਛ ਖੁਰਚੀ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨੇਗੇ ਕਲੀਨ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਹੀ ਬਸ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਰ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਧਰੋਂ ਹਵਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਕਰੇਗੀ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇ ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਿਆ ਕਰਨਗੇ ਪਾੜ ਪੋੜੀ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨੂੰ ਆ ਬਾਰੀ ਨਿੱਕੀ ਅਲਬਾਰੀ ਛੋਟੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੱਪੜੇ ਦੂਸਰਾ ਕੱਪੜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹਿ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ
अलमारी लवावे ना अबू जान दुकान से जिस तरह नीली जी लगी हो इत लग जाएगी उन किताबा हाँ कपड़े वास्ते ही इतने लवावे तो वैसे किताबा वास्ते भी क्योंकि कपड़े वगैरह जो मेरे हो मैं अपने इधर कपड़े रखे करने गे उधर रल जाते ने गे अलमारी के थोड़ी जी वड्डी है उस साइड तो कलोज इन कर दो मुड़े वगैरह अंदर ही भावे लैके आज मैं तो कहना टीवी भी इतना अंदर चला के बह के वेख लिया कर बिजली नहीं आ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਰ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੂੜੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈਣੇ ਬਾਕੀ ਟੈਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਹੈਲੋ ਮੀਆਂ ਖੋਲਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈਲੋ ਸਭ ਕੁਛ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪਵਣ ਵਾਸਤੇ ਮੂੜੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਨੈਣ ਉਸ ਨੁੱਕਰ ਚ ਇੱਕ ਪਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੋਲੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੁੱਕਰ ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖੁਰਚ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪੱਤਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨੀਲਾ ਕਰ ਦੇਈ ਨੀਲਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਗਾਰੀ ਜੇ ਅਗਰ ਪੱਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਖੁਰਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ बिलकुल साफ है पुरानी है हां ला के रख दे ਇਹ ਕੋ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਵੱਜੇ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਉੱਥੇ ਜੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸਲੈਨ ਕਾਰ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਸਮ ਵੈਸੇ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਜੇ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਸੁੱਕ ਜਾਸੀ ਹਾਂ ਸਨੈਣ ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੂੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਹਾਂ ਰਗੜੀ ਜਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੀਂ ਹੈ हाले तक मैं पढ़ाई करनी है मेरे भैणा भाई कमेंट थले करके जरूर दसना है मेरा फैसला सही है या नहीं है हसन का फैसला ठीक है या मेरा फैसला ठीक है तुम तो थले जरूर कमेंट करके दसना गया भी हसन की शादी करनी चाहिए है या नहीं करनी चाहिए हसन तो हाले तक मन नहीं रहा आना नहीं मैं साग के राजी नहीं हाँ आयशा जी घर की साफ सफाई लगी हुई टहलों वगैरह सारिया साफ करती हैं सुसियाँ बस हूँ जी जुतियाँ नहीं गया ये चक के उधर रख लगी है जी तो उस बाद बारू वेड़े जी सारे चूजे झाड़ू फेर देंगी तो सारे घर की बिल्कुल सफाई हो गई है बाकी किचन जोड़ा है
इन्हें 40 तक अंदर दाने पे ने इन्होंने धोना तो नहीं है जो दाने चक लाए उदो फिर इन धो देवे अंदर सारे इन फर्श न सफाई कर देनी इधर दूसरिया पईया नहीं है सुखिया रोटियां वगैरह वह भी चक के वेच देवे कबाड़ आ जाए बाकी घर की सारी साफ सफाई हो गई हैगी तो हूँ अम्मी जान दोपहर का खाना पकान लगी उधर अबू जान ने हम फ्रूट भेजे है अंब के नाल आलू बुखारे पूरा डब्बा ही भेजे इन्ने का मैं लगता है समान दुकान तो काफ़ी ले आए इस वजह से फ्रूट ही भेजे इन्हें बाकी नाल समान आ कुछ करे इन्हें तो भेजे इन्ने गए तो गोशत गले इन्हें जिंदगी पहली बारी मैं खानी है अम्मी जान ने पता पहले खाई होगी अज अम्मी जान ने ना अबू जान ने सुबह करेले भेजे अम्मी जान ने क्या करेलिया कोई ना अजीब ही रेसिपी बनाई जी पहले कदी नहीं पकाए मैं अम्मी जान फिर तुसी आप ही सोच लो फिर इन्होंने वेख्या है बरबीजे के केले किस तरह करेले कहते ने गे हाँ बरे करेले हाँ कीमिया करेले कीमे कीमिया ने बिचू बरा गए कीमिया का बना के ना उधरों सीना पूरा है मुर्गी का यह बुजान ने गोशत लैके भेजे है तो इन हूँ मैं कट के बनाना है ना कीमा फिर यह बोर के कीमा तो बेच करता जिस तरह सालन नहीं बनता सालन बना के बनना छोटे छोटे बोटियां कर लेना गया उधर अम्मी जान ने करेले जेड़े ने गए वह भी कट के हथ दोपते रखते नमक ला के क्योंकि इस तरह ने कौड़ निकल जाती है कौड़े नहीं रेंदे ने गे चलने हम फिर इन्होंने जाके बोटियां कर लिया तो गोशा तो भी छोटा हो गया है तो आयशा ने इधर अग भी बाल ली हैगी हूँ फिर इन बॉयल कर लीए सब तो पहले तो गोशत जी उबलने रखता है तो तकरीबन 5 मिनटा के बेच बेच इन्हें उबल जाना है क्योंकि थले बहुत तेज अग बाल रही हैगी उधर अच्छ गर्मी भी बहुत ज्यादा हैगी दादा जान भी आ गए ने वीडियो अपलोड कर देनी हैगी इन्होंने इतने ही आना पैंता है सर तो हम दुकान तेन जाना है दुकान चले जाते हूँ इतने आ जाते हैं कभी मेरा चक्कर लग गया मैं उधर चला जाना है इनका उत्ते ढक्कन कर दिए वीडियो अपलोड कर देंगे ताकि उबल जाएगा ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਰੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਤਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਰਹਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਜੀ ਉਬਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆਂਗੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹ ਤਲਣੇ ਪੈਣੇ ਬੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕੇ ਨਹੀਂ ਤਲਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕੇ ਨਹੀਂ ਤਲਣੇ
अम्मी जान ने मुकम्मल वीडियो वेखी है रेसिपी की यूट्यूब तू, तो हूँ फिर अम्मी जान ने बनानी है रेसिपी, मैंने तो पता ही नहीं किस तरह बननी है। सब तो पहले घी दे विच इहनू तलना है, तो ये कोल अम्मी जान जड़ियाँ ने गोश्त अच्छी तरह बोल रही ने, क्योंकि बाद अच्छी तरह भुनना है। यह जो थले मसाला पे तो यह जो तली गया ये भी बिचे रल जाना है जिस तरह सालन पकता है। तो जो सालन की तरह सारा कुछ बन गया उस तो बाद भर के तो फिर इन्हों की तलाई कर लवेंगे जिस तरह ए तली रहे हैं। फिर सानू घी थोड़ा ज्यादा चाहिए होना है उदो फिर घी ज्यादा पा लो। तो पहले वाले जी अच्छी तरह बुझ गए थे करेले, उत्तों अम्मी जान ने बिच मिर्चा टमाटर तो प्याज पाते ने गे, अच्छी तरह इतना बुन लवेंगे। तो जिहड़े करेले होंदे हन छोटे छोटे बोर वह भी मैं फ्राई कर लिया, फ्राई करके दे टमाटर मिर्चा लसण सारे मसाले पा दिते ने, ते हुण इन्हां मिंट सारा थोड़ा जिहा भुन्नांगी घिओ दे विच, उसके बाद जो सीमिया साडा वह कोल तैयार मैं करके रखो उस विच इहदे पा देवांगे। अलहमदुलिल्लाह जिहड़ा मसाला साडा है ना वह माशाल्लाह पहुँच गया, हुण विच आ पा देनी कीमिया कीमिया को तैयार करके मैं रखा है। माशाला जरा पीने ना वो तैयार हो गया है। इतनी गर्मी बहुत ज्यादा है गया, ट्रे के पास में लैके अंदर जा रही हूँ, उसके अंदर पखे से बह के फ्राई शुरू करा। तो उधरों कोल ना तंदूरी बालती हैगी, क्योंकि जितने टाइम तक अम्मी जान फ्राई करके तलाई करनगियां उतने टाइम तक कोल भी जी बल जाए जी, फिर कोल रोटियां ला लवेंगे। आयशा जी उधर आटा गुन रही है। हुण करेले की फ्राई में इतने बह के कर रही, पखे तो बाहर गर्मी बहुत ज्यादा हैगी, तो मेरा जो दिल है ना वो घबराने लग पे, मैं इतने बह के इन्होंने बाहर लेनी विचों। मानो की होया कह रही है मैंने हिस्सा वंडाओ ते हों जी, फिर जाके इंदी तलाई करने आ गए सारे करेले जेडे नेगे अच्छी तरह बरीक ने गे, सारे बरीक ने, बाकी जेडा मसाला है ना ये बस के अभी बना ले के चलनी है। देखो जाके ना तलाई लेने ने ते इत्थे बाहर जी लेके आ गए आगे करेले जेडे नेगे इन्हां नूं थलन लगे आगे। ते रेसिपी जेडी हैगी साडी बस तलीने ने ना अम्मी जान, हां बस 2 मिंटां च रेसिपी तैयार। ते इंदा फिर की करना रोटी वगैरा सालन की तरह ही है कोल तंदूरी बाल रही है हाले तक अंदरों काली हैगी, जो रत्ती हो जानी ना उदो इन रोटियां लगनिया ने गे। उन्हां दे काम वेखो बस मैं टापे बड़ा बैठा फ्रिश जिहा चमचा लिया दे अम्मी यार पकौड़ा की तरह ही है जिस तरह पकौड़े तलने आप। माशाल्लाह जो पहले करेले ना पूरा फ्राई कर लिया,
बहुत बड़ी अच्छी आ रही है। ते दूसरे पूर दी तलाई जड़ी है आयशा कर लेंदी है अम्मी जान जड़ी नहीं है रोटियां पकान लगियां ने उनको तंदूरी जड़ी ना ओ गरम हो गई ते मैं छना छत देख के मैं को जड़ा ना रोटियां पका लेनी है ते ओदू साडी जड़ा ना रेस भी तैयार हो गई ना साडी रोटियां भी तैयार होन बच्चे उस पर बैठ गरम गरम खावांगे। इस तरह विचो रत्ती हुंदी है कि तंदूरी जड़ी आ गई है देखो अगे ब्लैक सीगे अंदर ना जिस तरह ओ थल्ले हैगी ओ थल्ले लग रहे है इस तरह पर काली सीगी ते हुन अंदरों सारी रत्ती हो गई है। हाली तक अंदर बलदी पई अग अम्मी जान मेरा थोड़ा जहा अगे अज आंदा है तो इंज लगता है कि जो अज जल रहा है तुम अंदर किए हाथ ले जाते हो माशाल्लाह ते लाइन पूरी लगी हुई है रोटियां दी ना चार स्पून दे जिवें कोई रोटी लांदी अम्मी जान फौरन ला दिंदियां ने। ते करेले भी सारे जने ने तली गए ने माशाल्लाह ते रोटियां मैं लगता सारिया ही लग गई ने या बिच कुछ खातियां ने किनिया रह गई तेरे बुद रोटी दा आटा रख दी तन्नू शाम ताजा गरम गरम रोटी पका के देना हाँ। बस एक रोटी बस खाई मैं खड़ी है सामने ते जेड़ा बाकी दा सालन बचिया सी अम्मी जान ने बिच मिक्स करता हैगा करेलियां दी ते साडी जेड़ी रेसिपी ओ तैयार हो गई ने चल जंदे ते फोन चल के खाने आ खाना बच्चे ने भी जन्ने आ ते खुद भी खाने ते इत्थे बरांडे च आ गए आंगे अम्मी जान एक एक करेला ते नाल थोड़ा थोड़ा जिहड़ा हैगा सालन सारयां नूं दे रहीयां ने गियां मान फातिमा होरां ने तां खाणा शुरू करता मैनूं दिओ रिशा खा के चैक कर के हो जाओ दागा उत्तों ला लिया जे असनैन दागा ला खावी ओह नवें दागा ही ना खा जावी चलो ठीक हो गया मैं भी चल के उत्थे बह खाना आंदा ते उंज फिर सब तो पहले तेंदा मैं धागा ला लेना आ गया अंदर बहुत सी गल लेकिन अंदर ना पखा वगैरह नहीं है मैं कहते बाहर ही बैग खा लेना आ गया धागा लाते लाते बिचों इन खाली कर लिया लेकिन कोई बात नहीं खा लवेंगे एवं तो पहले जी अंदर बैग खान लगे सी लेकिन अंदर पखा वगैरह नहीं है मैं कहते बाहर ही बैग खा लेना आ गया बाकी धागा वगैरह तो ला लिया हूँ फिर ट्राई करने आगे पहले चखे है जो मसाला तो बड़ा जबरदस्त है सालन है ते करेला ही नाल ट्राई करके चेक करने अलहमदुलिल्लाह जी अज करेले भी ट्राई कर लेने के वह भी ब्रिज हुए लेकिन बड़ी जबरदस्त रेसिपी बनी हुई थी तुम गारे लाजमी ट्राई करनी है ब्लॉग जो सेहत खत्म कर लग्या तुम अच्छा लगे लाजमी चैनल सब्सक्राइब करना वीडियो लाइक करना के दोस्तों शेयर करना खुदा हाफिज़।